नमस्कार दोस्तों, एमआरजी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये लिफ्ट पंप तो अपन ने फिटिंग कर दिया है, तो अब अपन ट्रैक्टर के अंदर इस हाइड्रोलिक पंप को फिटिंग करते हैं और कंटिन्यू वीडियो देखते हैं कि इस हाइड्रोलिक पंप को फिटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखते रहिए, ये आपके सामने। चलो, ये कंट्रोल वाल्व फिटिंग कर दिया है अपन, वापस इस लिफ्ट पंप को अंदर फिटिंग करते हैं। इस तरह ये आपके सामने बिल्कुल लिफ्ट पंप फिटिंग हो रहा है। सीधा खड़ा करेंगे और आराम से अंदर जाने देंगे। ये इस तरह अंदर जाने के बाद ये जो पीछे कपलिंग है, देखो ये जो कपलिंग है, ये इसके दांतों को एक रात बाहर निकाल, ये जो कपलिंग है इसके दांतों को मिलाना है और उसके बाद इस पीटीए सापट को भी अपन मिला देंगे। इस पीटीए सापट को यहां से अपन अंदर बैठा देंगे। इस तरह ये बिल्कुल अंदर बैठा के दोनों बोल्टों को कस देंगे। ये पीटीए सापट पीछे से अपन अंदर की तरफ फिटिंग करेंगे, तो ये लिफ्ट पंप के अंदर भी ये इस तरह फिटिंग हो जाएगी। ये जो आपके सामने हो रही है, देखो ये इस जगह, ये ठीक है ना, ये ये इस तरह पूरी फिटिंग हो जाएगी। और इस गियर लीवर को भी इस कपल के अंदर रखना है। लीवर को ऊपर करो, गियर लीवर को ऊपर करो, जो ये पीटीओ गियर लगने में सहायता होगी, नहीं तो अगर बाहर रख दिया तो फिर परेशानी पैदा हो जाएगी। ये इस तरह, ठीक है, ओके। अब अपन ऐसा करेंगे कि ये लिफ्ट पंप सपोर्ट डाउल है, इन डाउलों को फिटिंग कर देंगे इस तरह। ये भी कर देंगे और ये भी कर देंगे इस तरह, इनके ऊपर ये बोल्ट लगा देंगे। ये लो, बिल्कुल लिफ्ट पंप फिटिंग हो गया है। अब अपन ऐसा करेंगे, लिफ्ट वाला फिल्टर फिटिंग करेंगे। ये इस जगह इसको फटाक से फिटिंग कर लेते हैं। ये लो, बिल्कुल प्लास की सहायता से भी कस दिया है और इस तार को फिल्टर को लॉक करना होता है ताकि अपना फिल्टर खुले ना, लॉक कर देना है और उसके बाद ये अपन चिलम और डमरू को फिटिंग करते हैं। ये अब अपन ये चिलम और डमरू को फिटिंग करते हैं। सबसे पहले एक मिनट को वापस ऊपर करो, एक चीज दिखानी है दोस्तों को। ये जो देखो इसमें बुश लगा हुआ है, ये रोलर बैरिंग भी आता है। अगर रोलर बैरिंग की जगह अगर बुश भी लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो फिटिंग करो। अगर बैरिंग है तो खराब नहीं होना चाहिए। ये दोनों तरफ से बैठा देंगे, आपके सामने बैठ गई है। अब देखो ये जिस हॉल में अपने को चिलम फिटिंग, ये पिन फिटिंग करनी है, पिन फिटिंग करने के बाद ये इस तरह पले नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ये हॉल ऊपर नीचे कंपनी ने इसीलिए दिए हैं कि ये पले ना हो। चलो मैं अभी इस पिन को लगा के क्वार्टर पिन करके इसके अंदर ऑयल डाल देंगे और अब अपन करते हैं लिफ्ट हेड का रैम सिलेंडर फिटिंग। सबसे पहले अपन इसके ऊपर रखेंगे ये और कुछ सील को आने वाले वीडियो के हल्का हल्का पहले फिटिंग करेंगे शॉर्टकट। तो ये तरीका जो आपको दिखाए जा रहे हैं, ये आने वाले वीडियो ऊपर रखना है। हाइड्रोलिक लीवर का सेटिंग कैसे करते हैं वो एक देसी अंदाज, देसी जानकारी के हिसाब से बता देता हूँ। स्पेशल टूल से अलग तरीके से होता है, लेकिन अभी देसी तरीके से कैसे करें, जैसे कोई जगह स्पेशल टूल नहीं है और आपको लिफ्ट हाइड्रोलिक सेटिंग करना है तो कैसे करें वो आप देखो। पीछे से इस बोल्ट को कसूंगा, ये मतलब अगर ज्यादा कसोगे तो इस तरह यहां आ जाएगी, अगर ज्यादा खोलोगे तो आगे चली जाएगी।
तो दोस्तों इससे आगे अपने चैनल पे काफी सारे छोटी मोटी जानकारी के वीडियो बने हुए हैं। मेरा आपको यही कहना है कि दोस्तों वीडियो को हो सके इतना आगे शेयर करो, और आप MRG मैकेनिक चैनल तक पहुंच गए हो और आपने वीडियो देख लिया है तो दोस्तों एक सब्सक्राइब आपकी तरफ से, आप एक सब्सक्राइब करोगे तो एक की लकड़ी और हजारों का बारह। दोस्तों हमारी भी तमन्ना है कि हम मेहनत करते हैं, हाँ इस मेहनत का कुछ फल YouTube की तरफ से दिया जाता है, लेकिन ये एक शौक होता है वीडियो बनाने का। मेरा तो एक सिर्फ शौक है वीडियो बनाने का, मेरी कोशिश होती है जहां तक अच्छे से अच्छे वीडियो देने की कोशिश करता हूं। तो आप इन वीडियो को आगे शेयर करो, आप मैकेनिक हो तो अच्छी बात है, किसान हो तो भी अच्छी बात है, हो सके इतना वीडियो को आगे शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इससे आगे अच्छे 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 वीडियो देने की कोशिश करेंगे। इस कंट्रोल लीवर को पोजीशन पे ले लिया, ऊपर कर दिया, ठीक है ना। अब इसको ऊपर करने के बाद ये सेटिंग होना चाहिए जो ये आपके सामने अभी, इस सेटिंग को भी उसी तरह करेंगे जिस तरह ये जगह यहां से यहां तक बराबर, जो कि ये विशेष आइडिया है जो आइडिया दिया है, हम उनको उस्ताद की जगह मानते हैं। तो इससे आगे कभी भी मौका मिला उस दिन इस हेड को पूरा कैसे फिटिंग करते हैं और हाइड्रोलिक लिफ्ट पंप को कैसे फिटिंग करते हैं उसका भी वीडियो देने की कोशिश करूंगा। और छोटे मोटे काफी सारे वीडियो है, आप उन वीडियो को देखो, हो सके इतना किसान भाइयों में मैकेनिकों में आगे भी शेयर करो। तो दोस्तों आपकी तरफ से एक सब्सक्राइब, एक कमेंट और एक लाइक, हो सके इतना ज़्यादा कीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो सबसे पहले आपके पास होंगे। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं कोई अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ये लो पुरानी यादें, और ये रही और पुरानी यादें, और ये है साथ का सफ़र। दोस्तों एक नया वीडियो हर सोमवार शाम को 6 बजे अपने चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा।